बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खैबर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मौसम बहुत प्यारा है पिशावर का, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ भी थोड़ा सा यहाँ का ये व्यू शेयर करूँ। तो आज तो मैं बाहर नहीं गई हूँ क्योंकि बारिश भी हो रही है और आज यानी कि मेरे पेपर है, कल भी मेरा पेपर है, तो इस वजह से मैं बाहर नहीं गई हूँ। तो मैंने कहा कि अपने घर में ही ये व्यू बना लूँगी व्यूवर्स के लिए, वो भी इंजॉय कर लेंगे और हम भी इंजॉय करेंगे बारिश को। तो ये बारिश हो रही है और मैं आप लोग के साथ थोड़े से अपने घर के ये पौधे भी शेयर कर लूँगी। तो एक ये पौधा लगा हुआ है इस ईंटों के दरमियान और इसके अंदर जो ये आम का पौधा है, तो ये मैंने अपने हाथ से यहाँ पर एक गुठली लगाई थी, तो माशाल्लाह वो इतना बड़ा हो गया ये पौधा। अब ये मज़ीद बड़ा होगा तो फिर ये आम भी देगा, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ इसके आम भी शेयर करूँगी। और ये जो पौधा है तो ये पिछली दफ़ा ये गिर गया था सारा आंधी की वजह से, तो अब माशाल्लाह दोबारा ये ऊपर तक चढ़ गया है। ये बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जाता है, तो इससे भी माशाल्लाह बहुत ही यानी कि ठंडक होती है। गर्मियों में भी अगर पौधे घर में लगे हो ना तो उससे बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। तो आज तो मौसम इतना साफ नहीं है, इस वजह से ये वीडियो भी आप लोगों को इस तरह से डिम डिम सी नज़र आएगी। ये आप देख सकते हैं बारिश हो गई है, अभी भी शुरू है बारिश और ऊपर आप ये बादल देख लें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है। और ये छोटे छोटे माल्टे भी इस पौधे में लगे हुए हैं, आप ये देख रहे, ये बहुत कट्टे हैं, ये बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है। ये जो पौधा है ये जैतून का पौधा है, इसने अभी जैतून दिए नहीं है लेकिन इतना बड़ा हो गया है माशाल्लाह। तो आगे जाते हैं, मज़ीद पौधे भी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक ये भी आम का पौधा है, ये भी मैंने खुद ही लगाया था माशाल्लाह, ये भी अब इतना सा हो गया है। अब ये दोनों दरख्त हमारे लिए आम देगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी एक ये पौधा है, इसमें भी ये माल्टे लगे हुए, ये दूसरे किस्म के है। सॉरी ये माल्टे नहीं है, ये कीनू है, मैं इतने नहीं जानती ना, मम्मा ने पीछे से आवाज़ दी कि ये कीनू का पौधा है, तो इसमें भी ये लग गए हैं, आप देख ले सामने से। तो आगे चलते हैं, मैं आपके साथ और पौधे भी शेयर करती हूँ। माशाल्लाह एक ये पौधा भी है, ये दीवार के ऊपर सारा, ये सारे दीवार पे लगा हुआ है, ये देख ले आप, माशाल्लाह काफ़ी ग्रीन है ये भी। और ये जो पौधा है तो ये है आलूचे का पौधा, माशाल्लाह ये दरख्त है, अब तो दरख्त सा बन गया है, इसे तो आलूचे इसने अभी नहीं दिए है, ये अभी सिर्फ यानी कि इतना बड़ा सा हो गया है, यानी आलूचा भी इसको कहते हैं जब इसको सुखा लेते हैं, तो ऐसे तो हम इसको आलूचा कहते हैं लेकिन आलू बुखारा भी इसको कहते हैं। और ये सामने जो है ये नारंज का पौधा है, यहाँ पर ये मिंट भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रेश मिंट है माशाल्लाह, ये भी बहुत ही फ्रेश होता है, तो इसको अक्सर हम चटनी वगैरह में भी डालते हैं जी माशाल्लाह। ये पौधे भी आप देख लें, ये बारिश भी हो रही है और इसमें ये पौधे भी माशाल्लाह बहुत ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं। एक ये फूल का पौधा है, ये येलो कलर का है, आप देख सकते हैं इसमें छोटी छोटी कलियाँ लगी हैं, ये ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा है। ओह बारिश इतनी तेज़ हो गई कि मैं वीडियो भी बिल्कुल नहीं बना सकती, आप यहाँ से देख ले बारिश हो रही है। एक ये पौधा है तो इस ये लेमन का पौधा है, ये आप देख ले इसमें ये लेमन लगे हुए हैं। एक ये वाला पौधा है, माशाल्लाह बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है और खूब बरस रही है, ये आप सामने देख लेना, शायद कि आपको नज़र आ रही होगी। और ये अमरूद का दरख्त है, तो आप ये देख सकते हैं मोबाइल भी हाथ से गिर रहा है, ये अमरूद इसमें अब लगे हुए। और एक ये लेमन का दरख्त है, तो इसमें भी ये लेमन लगे हुए छोटे छोटे, अभी साइज़ में थोड़े से छोटे है ये। और ये ऊपर जो है तो ये अखरोट का दरख्त है, आप करीब से देख ले इसमें, ये अखरोट इसमें लगे हुए हैं, ये काफ़ी बड़ा हुआ है अखरोट, इसे ऊपर तक इसमें अखरोट लगे हुए हैं। तो जी मैंने तो आपको अपने घर के सारे पौधे दिखा दिए हैं, तो उधर से अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि उस साइड पर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो अब मैं बरामदे के अंदर आ गई हूँ, तो यहाँ से मैं आपको ये व्यू दिखाती हूँ। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, तो काफ़ी दिनों के मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी, काफ़ी गर्मी थी, तो अब माशाल्लाह मौसम अच्छा हो गया तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो आपने भी खूब इंजॉय किया होगा। तो बारिश बहुत तेज़ है, अपने तौर से आगे चलती हूँ जी। माशाल्लाह से बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो अब मुझे वीडियो बनाना भी मुश्किल हो गया है, तो बस यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो आप लोग को बर वक्त मिल सके। और प्लीज़ हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, शुक्रिया।